151। चलो स्टार्ट करते हैं पेज 151 पर। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इफेक्टिवली है ना इसका सेक्शन कौन सा है? 16। अरुण जेटली ने ये वर्ड को बहुत 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 एम्फसाइज किया कि दिस इज द, बोलता ना, मेन क्रक्स ऑफ जीएसटी। ये है तो ही जीएसटी के मैक्सिमम एडवांटेजेस है। ऑब्वियसली यस, क्यों? क्योंकि आज एक पर्सन को क्या चाहिए, एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए? इफ यू आर अ बिजनेसमैन, सब लोग, आप अगर बिजनेसमैन हो, कोई आपसे टैक्स मांग रहा है तो आपको अंदर से पिंच होगा। मैं कोई किसी को भी होगा, आज अगर मैं बिजनेसमैन हूं और मैं जब गुड्स खरीद रहा हूं और सामने वाला मेरे से टैक्स मांग रहा है तो मेरे को कहीं ना कहीं वो पिंच होगा, शिट यार इतना सारा टैक्स। लेकिन जब मेरे को बोलता है कि जब आप रिकवर करोगे आपको माइनस करने मिलेगा, तो अंदर से वो मेरा कहीं ना कहीं जो दर्द था ना वो कम हो जाएगा। हाश, क्यों? वापस तो मिल गया, राइट? अगर आपको वापस मिल रहा है तो अंदर से आपको वो एक एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज लगेगा। अगर एक मिनट के लिए सोचो, अगर वो नहीं होता तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होता, तो मेरी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा हो जाती, कितना बड़ा, मतलब मेरा प्राइसिंग इतना होता, मेरे को अंदर से कितना होता, 18% जीएसटी। आज सोचो ना, एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट से सोचो तो मेरे आज कितना पिंच होता होगा अगर बिल के अंदर कुछ दिखोगा तो। आज ऐसे कंज्यूमर सोचो, आप जब खाना खाने जाते हो, एक जमाना था आज, जैसे कॉस्मेटिक्स, जैसे एयर कंडीशन, हम लोग ने अभी देखा 30,000 का एयर कंडीशन, 8,400 जीएसटी, 28% सीधा कॉस्ट, 38,400, कितना बड़ा पिंच होगा कि 30,000 में 8,400 जीएसटी। मतलब अंदर से अपने को ऐसा लगता है इतना सारा, और जब मेरे को क्लेम करना नहीं मिलेगा तो एक बार तो मेरा 8,400 गया, आप समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छी बात क्या था, इन लोग का टारगेट कंज्यूमर नहीं था, दे आर नॉट टारगेटिंग कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स तो भुगते गई। दिस इज अ रीजन, आज ह्यूज रीजन ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, कहीं ना कहीं जीएसटी है। पब्लिक को समझ में आ रहा है, जिसको आ रहा है उसको समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं जीएसटी इज अ ह्यूज, आज बहुत बोलते ना इन्फ्लेशन है, हर एक चीज महंगी है, हर एक चीज महंगी हो गई, जो भी चीज देखो, 2 साल के कंपैरिजन करो, 3 साल का, सब महंगा दिख रहा है। क्यों? जीएसटी बहुत ज्यादा है, और इतना ज्यादा है कि कंज्यूमर को क्लेम करने नहीं मिल रहा, और कंज्यूमर को क्लेम कुछ नहीं करने मिल रहा है। मतलब सोचो, आपका कौन से लेवल पर आपका प्राइस हाइक हो रहा है, जहां 18% है। आज मेडिक्लेम मैंने 10,000 भरा, 1,800 रुपया क्या बोलते हैं जीएसटी, मतलब आज मैं 10,000 भर रहा था, सीधा मेरा 11,800। आज पूरे, आप सोचो, एक एग्जांपल सोचो, आप महीने में नॉर्मली कितना खर्चा करते हो एज ए फैमिली, घर का खर्चा कितना होता होगा, 30,000। अगर 30,000 में अगर मैं बोलूं कि ऑन एन एवरेज कोई 18%, कोई 28%, कोई 5%, कोई 12% मिला के 10% जीएसटी, तो 30,000 में आपका हर महीने का 3,000 तो जीएसटी में गया। मतलब एक साइकोलॉजी का लगता है यार, 10% तो मैं जीएसटी में दे रहा हूं, बाकी सब टैक्स अलग बात है, म्यूनसिपल टैक्स अलग बात है, या ये टैक्स अलग बात है, खाली जीएसटी में जा रहा है। तो प्रॉब्लम कंज्यूमर को क्या आ रहा है, ये क्लेम करने नहीं मिल रहा है, जबकि ये खाली किसको एडवांटेज है, बिजनेसमैन, राइट? तो बिजनेसमैन को आईटीसी मिलेगा। आईटीसी मतलब क्या होगा, व्हाट इज इनपुट टैक्स, सबको पता है इनपुट टैक्स इज टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स या टेकिंग सर्विसेज, ये इनपुट टैक्स का मतलब है। और क्रेडिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्स कलेक्टेड। हाँ, अगर आप टैक्स कलेक्ट करते हो तो ही करने मिलेगा, अगर आप टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर रहे हो तो डिडक्ट भी करने नहीं मिलेगा। मतलब आप टैक्स कलेक्ट करोगे, हाँ, प्रैक्टिकल भाषा में व्हाट इज आउटपुट टैक्स एंड व्हाट इज इनपुट टैक्स, चलो क्या बोलते हो इसको और क्या बोलते हो इसको, बस ये उल्टा है। हाँ, दिस इज टैक्स कलेक्टेड ऑन सप्लाई, मतलब मैं अगर सप्लाई ऑफ गुड्स करूं या सप्लाई ऑफ सर्विस करूं, मतलब कहने का मतलब सेल्स करूं, तब मैं आपसे टैक्स लूंगा, दैट इज आउटपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स इज टैक्स पेड
व्हेन सप्लाई इज रिसीव्ड, मतलब अगर आपको सप्लाई मिला, मतलब समझो किसी ने सप्लाई किया, बेसिकली देयर इज नोन एज इनवर्ड सप्लाई। सुना ये वर्ड इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई, हम लोग यहां सप्लाई को ज्यादा वर्ड्स देंगे इंपॉर्टेंस, राइट। तो आईटीसी इज बेसिकली क्या, आपको माइनस करने मिलना, लेकिन माइनस करें क्या सब मिलेगा, आंसर इज नो, कहीं ना कहीं ब्लॉक क्रेडिट है। सेकेंड, सबको मिलेगा नो, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना है। विच आर द मिनिमम लेवल ऑफ क्राइटेरिया रिक्वायर्ड, क्लेम सपोज, चलो नाम अपर्णा, राइट, राइट, क्लियर। सपोज अपना ने 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे अजय को, मैं अभी वो सब डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, केसीएसटी आईजीएसटी वो सब जाने दो, जीएसटी है, और रफली सोचते 10%, वो भी जरूरत नहीं 10% है ही नहीं, फिर भी सोचता हूं 10%। अजय ने ध्रुवी को बेचा 1,20,000 में और 12,000, 132, राइट। ये जो 12,000 है वो क्या है, जीएसटी, 10,000 क्या है, हम लोग को सोच रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अजय, बरोबर है, क्योंकि राइट नाउ ये एग्जांपल में अजय प्लेस डबल रोल, कौन से रोल, बायर भी और सेलर भी, राइट। अजय के लिए सोच समझ के आंसर देना, एक जो भी आंसर दोगे एकदम सोचना है तो फटाफट आंसर मत देना। व्हाट इज आउटपुट टैक्स फॉर अजय, राइट, नहीं 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 12,000, अजय के लिए आउटपुट टैक्स 12,000 और अजय के लिए इनपुट टैक्स 10। अजय क्या बोलेगा, मुझे माइनस करने दो और मैं कितना भरूंगा, 2,000। नाउ द चैप्टर का मेन कंसेप्ट, क्या अजय को 10,000 माइनस करने मिलेगी, इतना इजी थोड़ी है। हाँ, लेकिन उसके लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी होगी, कौन, मतलब अपना रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अजय रजिस्टर्ड होना चाहिए, ध्रुवी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, पहले तो अजय रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब अजय के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, रजिस्टर्ड डीलर होना चाहिए, दूसरा, ओके, मतलब अपना ने टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, मतलब अपर्णा ने या तो वो 10,000 पे कर दिया या अपर्णा ने खुद वो 10,000 एडजस्ट कर लिया, वो भी आईटी से एडजस्ट कर सकती है, ना नहीं है। तीसरा, वेरी गुड, अजय के पास पूरे गुड्स रिसीव्ड हो जाने चाहिए, अजय को पूरे गुड्स मिल चुके होने चाहिए, अगर लॉट्स में आते इंस्टॉलमेंट में आते तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के वक्त ही क्लेम करने मिलेगा, याद आया, अगर इंस्टॉलमेंट में गुड्स आते थे तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में, नेक्स्ट, वेरी गुड, राइट, अजय के पास वो इनवॉइस होना चाहिए, वो प्रूफ होना चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए, जो भी समझो, डेबिट नोट या इनवॉइस होना जरूरी है, प्रूफ होना जरूरी है, नेक्स्ट, हाँ, मतलब अपर्णा ने जब अपने रिटर्न में ये बताया होना चाहिए कि उसने अजय से कलेक्ट किया है, अपना जब रिटर्न, अपना भर तो देगी, अभी एक एग्जांपल, अपना ने वो टाइम पर सपोज झील को भी बेचा, अपना ने सपोज वो टाइम पर तुबा को भी बेचा, और सब अजम्पशन पर सेम ही अमाउंट भेजा, 1 लाख इसको बेचा, 1 लाख इसको भी बेचा, नहीं नहीं उसने तीनों को बेचा, अपना ने झील को कितने में बेचा, 1 लाख, अजय को कितने बेचेगा, 1 लाख, सबको सबका कितना जीएसटी है, 10,000, और अपना जाके 10,000 जीएसटी भर के आती है, फिर अजय बोलेगा मेरा जीएसटी भरा, हाँ देख तेरा भरा ना, जी लगे पूछती तेरा भरा, हाँ भरा ना, राइट, उसने भरा है कि है, तो अभी प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये चीटिंग हुआ, अपना चीटिंग किया, तो अपना रिटर्न में, खुद के रिटर्न में, वो जो प्रैक्टिकली जिसको याद है GSTR 1, उसमें वो लिखेगी कि ये 10,000 अजय का है, ये इनवॉइस और ये 10,000, तो अजय को क्लेम करने मिलेगा, वो जिसका भी नाम लिखेगी उसे ही प्रैक्टिकली आईटीसी क्लेम करने मिलेगा। इतने तो मिनिमम क्राइटेरियाज रिक्वायर्ड है।
हाँ, जो इससे बोला वो भी राइट है कि आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम आफ्टर 1 ईयर और समथिंग, वो है वो जब कंसेप्ट है। तो यहां तक समझा, अगर आप रिवर्स चार्ज में कोई टैक्स भरते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। यस, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या, अगर सपोज अजय ने गुड्स अपर्णा से लिए होते और अज्यूम करते कि अपर्णा रजिस्टर्ड नहीं होती तो ये 10,000 नहीं आता, तो अजय अपर्णा को कितना रुपया देता, 1 लाख, और वो 10,000 जो जीएसटी बनता वो क्या करता, खुद पे करता, तो भी वो क्या क्लेम कर सकता था। हाँ, रिवर्स चार्ज में अगर आपने पे किया तो भी आप क्लेम कर सकते हो। चलो पेज 151, टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ इनपुट्स, कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड एज इनपुट टैक्सेस। अभी देखो, इनपुट गुड्स इज अलाउड, इनपुट सर्विस अलाउड, लेकिन इनपुट कैपिटल गुड्स भी अलाउड है। मतलब अगर सपोज मैं अभी बोला, मैं अगर क्लासेस के लिए अगर मैं एयर कंडीशन भी खरीदता हूं तो भी मैं क्लेम कर सकता हूं। उन लोगों के हिसाब से पास्ट में ना दो चीज, दो तीन चीज में बहुत कंफ्यूजन था। शुरुआत में जब वैट और वो सब में भी ये सब कंफ्यूजन क्या था, एक ऐसी चीज मैं खरीदता हूं जो मैं दे देता हूं और एक ऐसी चीज मैं खरीदता हूं जो मैं देता नहीं हूं, लेकिन बिजनेस के लिए यूज करो। मैं एग्जाम्पल है समझो, अगर मैं क्लॉथ खरीद रहा हूं, मेरा शर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैं क्या खरीद रहा हूं, क्लॉथ, फिर बॉक्सेस, फिर प्लास्टिक का बैग्स, फिर बटन्स, फिर थ्रेड्स, मैं सब खरीदता हूं, लेकिन ये खरीद के मैं करूंगा क्या, शर्ट बनाऊंगा फिर क्या करूंगा, बेच दूंगा, मतलब ये सब कुछ मेरे हाथ से चले जाएगा, वो क्लॉथ चले जाएगा, वो बटन्स चले जाएंगे, वो थ्रेड चले जाएगा। सामने मैं शेविंग मशीन खरीद रहा हूं तो वो तो मेरे पास ही रहेगा, तो क्या उसका आईटीसी मिलना चाहिए। क्वेश्चन पहले ये था कि एक चीज ऐसी है जो आप दे देते हो, एक चीज ऐसी है जो आप रखते हो, लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं बिजनेस है, तो क्लेम करने मिलना चाहिए। तो आंसर इज यस। पास्ट जब वैट था तभी वो लोग ये आर्ग्यूमेंट करते थे, जैसे अकाउंट्स का आर्ग्यूमेंट होता है, अकाउंट्स में क्या आर्ग्यूमेंट होता है, ये सेम दो लॉजिक पर, अगर ये सेम लॉजिक पर अकाउंट्स में क्या आर्ग्यूमेंट होता होगा, आप सोचो अकाउंट्स में, एनीवन, सेम लॉजिक पर, एक ऐसी चीज है जो मैं लेकर दे रहा हूं, एक ऐसी चीज मैं लेकर रख रहा हूं, अकाउंट्स में क्या आर्ग्यूमेंट होगा, क्या दोनों एक्सपेंस है, तो क्या होता है। हाँ, मतलब एक को मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डालता हूं, एक को मैं कैपिटल डालता हूं, रेवेन्यू पूरा मैं पीएनएल में ले लेता हूं, बैलेंस शीट पे से थोड़ा 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 करके लेकर जाता हूं एक साथ पूरा। वैट के जमाने में क्या था, ऐसा ही था कि पूरा नहीं, आप ये मशीन कितना साल यूज करने वाले हो, 2 साल 3 साल, तो पूरा क्यों क्लेम कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा क्लेम करो। लेकिन जीएसटी में अच्छी बात क्या है, पूरा क्लेम कर दो, और बाद में अगर आपने बेच दिया या कुछ भी किया तो रिवर्स करो, वो 5% पर क्वार्टर का रिवर्सल मारने को बोला। बस दोनों में ये फर्क हुआ, पहले क्या था, नहीं पूरा मत क्लेम करो, अगर इसमें भी ऐसा ही होता कहां, एक काम करो साल का 20% क्लेम करो, 5 साल यूज करो, 20-20 करो, तो रिवर्स की मगजमारी नहीं होती। यहां एडवांटेज क्या दिया, पूरा क्लेम कर दो, बस दोनों में ये फर्क है। यहां उन्होंने कैपिटल गुड्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड अलाउड कर दिया जो पहले नहीं था, इसलिए उन्होंने एकदम अलग से लिखा कैपिटल गुड्स, समझा। That was a major difference in VAT. वो accounting principle use होते थे। Such taxes takes the shape of integrated GST, CGST, SGST, UTGST depending on the underlying transactions. It also includes the paid amount paid on reverse charge basis, including tax paid by the importer of goods and services. Right? However, tax paid under composition levy in terms of section 10 is not available as credit. ये हम लोग को पता है कि कंपोजिशन स्कीम वाले को अगर आपने टैक्स दिया भी, ऐसे तो दिया तो भी वो डिस्क्लोजर नहीं होता, मैं वापस बनाऊ, डिस्क्लोजर नहीं होता। आपने कभी किसी ने डीमार्ट से परचेज आपने किया, इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज किया, नहीं ना। अगर आप डीमार्ट से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हो क्या वो लोग जीएसटी लेंगे, डीमार्ट में आप कुछ भी खरीदते हो जीएसटी लेते होगे, बिल के अंदर आता है, आप क्लेम कर सकते हो क्यों, और अगर रजिस्टर होते तो, हाँ
क्या क्या लॉजिक लग रहा है? अजीब, मैं ये आइडिया दे रहा हूँ, कभी फ्यूचर में करना है तो करना जरूर, इसलिए बोल रहा हूँ, फ्यूचर में डीमार्ट में से कुछ खरीदते तो सोचना जरूर। एक रूल समझना, फर्स्ट आप क्या खरीदते हो, अगर आप ग्रोसरी, खाने पीने के सामान ये सब खरीदते हो, वो तो ऐसे भी ब्लॉक क्रेडिट में आएगा, सेक्शन 17(5) में अलाउड ही नहीं, तो जो चीज अलाउड नहीं है उसमें मच मच करने का फायदा भी नहीं, राइट। लेकिन सपोज अगर आपने ट्यूबलाइट खरीदा, आपने स्टेशनरी खरीदा, आपने सपोज मैंने बोला कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा कोई चीज खरीदा, और अगर आप उसे बोलते हो ये मुझे बिजनेस के लिए खरीदना, तो मुझे क्लेम करने मिलेगा, तो आपको डीमार्ट वाले को बोलना होगा मुझे क्लेम करना है, आप बिलीव करो उसको अलग काउंटर में आपको लेकर जाएगा, वहां आपसे आपका जीएसटी नंबर मांगेंगे और वो नंबर एंटर करेंगे और उसका अलग बिल बनाएंगे ताकि आप क्लेम कर सको, ऐसा कुछ प्रोसीजर। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं जहां नॉर्मल बिल कर रहा हूं ऐसा नहीं, वहां तो वहां वो लोग अपना नंबर ही किधर मांगते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक समझो नंबर मांगेंगे, ऐसा कुछ चीज जो आपको क्लेम करना है बिजनेस के नाम पर, तो उसके नाम पर लेना होगा, उसके समझो आपने स्वाइप किया उसके कार्ड का, या आपने सामने वाले को बोला कि ये जीएसटी नंबर आप डालना, तो वो पूरा करेगा और आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन याद ना, वही चीज जो ब्लॉक क्रेडिट में नहीं है, क्योंकि हम लोग की आज तक आप लोगों ने डीमार्ट से वो सब खरीदा होगा जो ब्लॉक क्रेडिट के अंदर है, इसलिए वो लोग कभी पूछते भी नहीं और पूछेंगे भी नहीं, वहां लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन आप पूछना कभी कि अगर कोई चीज मैं खरीदता हूं और मुझे उसका जीएसटी क्लेम करना तो क्या होगा, आप समझे? लेकिन वापस रहा हूं, पहले वो आइडेंटिफाई करना कि इट शुड नॉट बी यूज फॉर ब्लॉक क्रेडिट, एक दूसरा इट शुड नॉट बी यूज फॉर पर्सनल, वो बिजनेस में होना चाहिए, दूसरा बिजनेस के नाम पर लेना होगा और ऐसा ही असेट होना चाहिए जो बिजनेस यूज दिख रहा है। द क्रेडिट ऑफ द अबाउट टैक्सेस इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज इनपुट टैक्सेस आर अवेलेबल एज सेट ऑफ अगेंस्ट द टैक्सेस पेबल ऑन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाइज। सीजीएसटी कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एलिजिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इट्स अवेलमेंट, यूटिलाइजेशन, कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन, बरोबर है? पास्ट वर्सेस फ्यूचर, इसमें जीएसटी में ये अच्छा हुआ कि आईजीएसटी में और वैट के बीच में जो मेजर डिफरेंस था ना, वैट वॉज में चिटिंग ज्यादा होता था, वैट में ये सब सिस्टम नहीं था, मैं पे करके मैं क्लेम कर लेता था, अभी ऐसा नहीं, अभी मुझे सामने वाले को जीएसटी नंबर देना होगा और वो नंबर देने में ही आपका सामने वाले का एक बोलता ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता, पहले पैसा पब्लिक खा जाते थे, आपको लगता है आप जीएसटी दे रहे हो और सामने वाला बिल नहीं दे रहा है, कभी ऐसा हुआ है या आपको लग रहा है? हाँ, दुकान में होता है, याद ना आप जो भी चीज खरीद रहे हो, मैं रियल में बोल रहा हूं, जो भी चीज खरीद रहे हो आप सब में जीएसटी दे रहे हो, लेकिन सामने वाला या तो अनरजिस्टर्ड होगा या तो कंपटीशन वाला होगा, इसलिए वो आपको बिल देता ही नहीं होगा, और अगर वो बिल भी देगा तो भी आप उसमें जीएसटी नहीं लिखा होगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, जो भी एमआरपी है इट इंक्लूड्स जीएसटी, राइट। तो एमआरपी इंक्लूड्स जीएसटी, आज हम लोग बहुत सारी चीज एमआरपी पर लेते हैं, राइट, जब मैं एमआरपी पर ले रहा हूं मतलब मैं जीएसटी पे कर रहा हूं, लेकिन क्या आपको सामने वाला बिल दे रहा है? नहीं, क्यों? हाँ, क्योंकि वो कंपोजिशन स्कीम है, और आजकल यही हुआ है, ये बाद में हायर लेवल पर ये सिखाया जाता है, मतलब मैं कभी कभी फ्री हुआ तो, कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या सोचकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कि आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, या तो आप रजिस्टर्ड में जाओ या तो आप कंपोजिशन में जाओ, क्या सोचकर कहां जाना चाहिए, वेट शुड यू स्टार्ट, कंपोजिशन या रजिस्टर्ड, क्यों? हाँ, मतलब क्या अच्छा है, अभी इसको लग रहा है रजिस्टर्ड अच्छा है, नहीं कंप्लायंस तो ठीक है, कंप्लायंस छोटे मोटे, चलो अभी तो वो भी कम हो गए, 1.5 करोड़ के अंदर तो वो भी कम हो गए, क्या लगता है रजिस्टर वर्सेस कंपोजिशन? ये ना प्रैक्टिकल लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन, वो पे नहीं करेगा तो मेरे पर आएगा,
मैं अगर रजिस्टर्ड हूं तो, मैं रजिस्टर्ड हूं तो क्या, और मैं कंबोडिया से गया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज अगर मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं दो जन, सपोज अभी नाम सपोज अपर्ण, राइट, और ये दोनों का समझो मोबाइल स्टोर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दोनों का मोबाइल स्टोर है, सुनना बराबर, एक प्रैक्टिकल समझना कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, यू हैव टू डिसाइड, दोनों का मोबाइल स्टोर है और ध्रुवी इज अ पर्सन जो ये दोनों को मोबाइल बेचती है, वो उससे भी बड़ी बिजनेसमैन है, ये दोनों का तो मोबाइल स्टोर है लेकिन ये बड़ी समझो होलसेलर वो लेवल पर है, ये लोग तो रिटेलर्स या जो भी समझो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी समझो, ध्रुवी सपोज एक मोबाइल बेचती है 10,000 में इन लोगों को, जबकि उस पर वो 12% जीएसटी चार्ज करती है, मतलब कितना रुपया लेती है, ये बराबर है, ये कौन ले रहा है, ध्रुवी, किससे, दोनों से, अपना राइट नाउ इस जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, जबकि झील इज अंडर कंपोजिशन स्कीम, बराबर है, यहां तक राइट है, प्रोडक्ट है मोबाइल फोन, जीएसटी परसेंटेज कितना है 12%, और ध्रुवी ने अपना को जब गुड्स बेचा तो उसने कितना रुपया लिया होगा, 11,200, मतलब 10,000 फॉर मोबाइल एंड 1,200 फॉर जीएसटी, और झील ने झील से कितना लिया होगा, सेम, बराबर है, क्योंकि ध्रुवी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि खरीदने वाला कौन है। नाउ अपर्णा ने बोर्ड मारा 16,000 रुपया जीएसटी मोबाइल बेचने का, सेल कितना 1600, और झील ने भी बोर्ड मारा कितना, ये मोबाइल फोन बेच रहा हूं 16,000, दोनों ने 16,000 का बोर्ड मार दिया, राइट, एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन ऐसा हुआ कि मोबाइल कोई खरीदना है, अपर्णा के लिए व्हाट विल बी द ट्रेडिंग अकाउंट, अपर्णा के लिए ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स कितना 16,000, परचेज कितना 10,000, इसका जर्नल एंट्री आता है, व्हाट इज द एंट्री फॉर अपर्णा एफआईजीसी का नया सिलेबस में, जैसे आप लोग ने जमाने में नहीं पढ़ा होगा, अभी नए बस में जर्नल एंट्री पता है किसी को क्या है, देखो जर्नल एंट्री फॉर अपर्णा, जर्नल एंट्री, व्हाट इज द जर्नल एंट्री टू बी पास्ड फॉर अपर्णा, एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट सीजीएसटी 600, इनपुट एसजीएसटी 600 टू, समझो ध्रुवी से लिया या पैसा दिया तो कैश बैंक आ जाएगा, दिस इज अ जर्नल एंट्री राइट नाउ, पहले के जमाने ऐसा नहीं है, परचेज टू बैंक, परचेज टू ध्रुवी 11,200, ऐसा नहीं अलाउड है, ऐसा अलाउड नहीं है अभी, समझा, वैसे ही अपना के लिए सेल्स की एंट्री क्या होगी, मैंने समझो इससे सेल्स क्या होगा रोकड़े में कैश में, तो एंट्री क्या होगा, मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी राइट नाउ अकाउंटिंग, ये कंपल्शन नॉट ऑप्शनल, टैली सॉफ्टवेयर भी ऐसा, वो जमाना गया, आपको नहीं कहना परचेज टू दिस दिस, ऐसा सब अलाउड ही नहीं, इंक्लूडिंग अगर मैं मशीन भी खरीदता हूं ना तो भी ऐसे एंट्री पास करना, तो ही आपको सीजीएसटी एसजीएसटी क्लेम करने वाला मना मिलेगा भी नहीं, और अभी प्रॉब्लम यही हुआ है ना कि जो लोग अपडेट नहीं करते फिर उन लोग का रह जाता है क्लेम करने का, और फिर सब लोग को गाली मिलता है, ठीक है, दे डोंट नो, अगर मैं एंट्री डायरेक्ट पास कर दूं, समझो इसने पास कर दिया, अपना के कोई अकाउंट ने पास कर दिया परचेज टू कैश बैंक 11,200, आप सोचो आपका 1,200 का तो उधर ही लॉस हो गया, आपको क्लेम करने का चांस ही चला गया, इनकम्प्लीट नॉलेज ऐसा होता है, ये समझ में आया ऐसा लॉजिक ऑफ, तो अपना के लिए परचेज कितना सेल्स, क्यों उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन एडवांटेज क्या है, आप टैक्स कलेक्ट भी लोगे, आप टैक्स कितना कलेक्ट करोगे 16,000 में 12%, 16,000 का 12% कलेक्ट करोगे कितना होगा 1,920 राइट, उसमें से आपने कितना टैक्स पे किया था 1,200, 720 आप क्या करोगे, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दोगे, मतलब आपका टैक्स आया भी गया भी फिटोस, कितना प्रॉफिट हुआ पर मोबाइल 6,000,
अभी सोचो झील की हालत क्या होगी, परचेज आपका सेल्स कितना, आपका परचेज 11,200 प्लस आपको भरना होगा कंपोजिट टैक्स 1% टर्नओवर का, मतलब 160 रुपीज वो भी पे करना होगा, याद आया? तो बचा कितना, राइट, ये होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, यहां होगा ये ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज द बेटर ऑप्शन, रजिस्टर, बराबर है? मतलब ये सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है, रजिस्टर्ड है कौन, अपना गुड पोजीशन, हाँ या ना? स्टोरी चेंज करते हैं, मैं थोड़ा स्टोरी चेंज करता हूं। जील सपोज मुझे पूछने आई कि ये ऐसे में धंधा करूंगी तो मैं तो लॉस में आ जाऊंगी, राइट, क्योंकि मेरा 4,000 कमा रही हो, सामने अपना 6,000 कमा रही है, तो मैं बोलूंगा एक काम कर तू, देखो उससे कॉम्पीट करना है ना, तो बेस्ट ऑप्शन तो इसको है ना 17,600 कर दे, तो सेलिंग प्राइस कितना कर दे 17,600, तो देखो कितना अच्छा लगेगा, सेलिंग प्राइस 17,600, कॉस्ट प्राइस 11,200, कंपोजिशन टैक्स 176 हो जाएगा, और प्रॉफिट देखो कितना हो गया, प्रॉफिट सिक्स टू टू फोर, माइनस करके देख बार, राइट है? तो झील अभी खुश एज कंपेयर टू अपन, अब आगे निकल गई, तो अभी कौन अच्छा लगा, अभी अपना या जी? क्यों प्राइस वो तो बढ़ा सकती है उसकी मर्जी, ओके, मतलब तो भी अपना ही अच्छी है, ओके, पक्का पक्का, चलो अभी हम लोग बोर्ड लगाते हैं, अपना 16,000 जी, और झील 17,600, आप पहले कहाँ जाके जाओगे, उसको जाने दें एक मिनट, अपना, आप अपना के स्टोर में गए, अपना स्टोर में कितना बोला मोबाइल का, फिर वो जैसे 16,000 का बिल बनाएगी, 16,000 प्लस जीएसटी 1,920 कितना हो गया, बोलो अभी, क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी वो देखा देता हूं, मतलब ये अपना क्या एंट्री पास करेगी, कैश अकाउंट डेबिट या सपोज तुबा अकाउंट डेबिट, कितना 17,920 टू सेल्स 16,000 टू आउटपुट सीजीएसटी, इसका 6% कर 960, 960 एंड इनपुट सॉरी आउटपुट एसजीएसटी कितना 960, टोटल हो गया 17,920, जैसे वो बिल बनाएगी 17,920, अब क्या बोलोगे उसको, रुक जा क्यों अभी क्यों, अभी आप टर्न मार दिया, मतलब इवन दो उसे ज्यादा प्राइस रखा, अच्छी पोजीशन पर कौन आ गई, बराबर है? अभी कौन अच्छा जी, अभी वापस चेंज करूं, अभी सपोज अगर मैं मोबाइल खरीदने जा रहा हूं, मेरे पास जीएसटी नंबर है, तो मैं कहां जाऊंगा, मतलब अगर मैं अपना से खरीदूंगा तो मेरा इफेक्टिव कॉस्ट 16,000 हो जाएगा, और झील से खरीदूंगा तो मेरा इफेक्टिव कॉस्ट 17,600 हो जाएगा, तो मैं कहां से खरीदूंगा, समझा? फाइनल कंक्लूजन, अगर मुझे किसी को एडवाइस करना है कि दो में से कौन सा अच्छा, तो मैं क्या करूं, इफ यू आर अ कंसल्टेंट, आपको सामने वाले को एडवाइस करना तो आप क्या करोगे, वो बोलो, तो बोलना देखो वही तो करना रॉन्ग, मैं बोल रहा हूं आपको बिजनेस चालू करना है तो आप अपना या जील में से सामने वाले को क्या सजेशन दोगे, ऐसे बोल रहा हूं, हाँ
समझो तेरे, समझो मैं एज अ कंसल्टेंट या तू कंसल्टेंट है, और मैं तेरे पास आके बोलता हूँ मुझे क्या करना चाहिए, सीएस में जाना चाहिए या रजिस्टर्ड जाना चाहिए, तो आप उसको ओपिनियन दो क्या करना चाहिए, ड्यूअल आंसर चाहिए मेरे को, ड्यूअल आंसर। ऐसे लॉजिक, मतलब अगर मेरे पास खरीदने वाले कंज्यूमर्स है देन गो फॉर सीएस इज बेटर, अगर मेरे पास खरीदने वाले सब बिजनेस पर्सन आ रहे हैं तो इट इज एडवांटेजियस टू गो फॉर अ रजिस्टर्ड। और दूसरा, अगर मेरा जो चीज है वो अगर ब्लॉक क्रेडिट में है देन एनी टाइम पर सीएस इज गुड। आप समझे, अभी कॉस्मेटिक्स और ये सब जो बिजनेस होता है उस पर कोई जीएसटी वाले नहीं होते, सब कंपोजिशन, सामने लोगों को बिल की नहीं चाहिए, क्यों बिल बनाओ, क्यों 28% जीएसटी चार्ज करो, लिख कर जाए थोड़ा डिस्काउंट करके एडजस्ट करके दे देंगे पैसा। गॉट इट? तो पहले ऐसे ऑन द स्पॉट डिसीजन मत दो कि ये अच्छा है, आप दोनों सिचुएशन को कंपेयर करो, देखो क्या हो रहा है। एग्जैक्ट लॉजिक इज दिस, कि सामने लोगों को मैं ऐसे नहीं, मैं कोई आ गया ऐसा नहीं, तू सीएस बन, तू रजिस्टर कर दे, ऐसा नहीं होता। मुझे उसका बिजनेस स्टडी करना होता है कि उसके पास खरीदने वाले क्या सोचते हैं, कौन सी मेंटालिटी लेकर आते हैं। आप समझे, बहुत सारे मोबाइल डीलर्स हैं ना, बहुत सारे वो दो दो बिजनेस में काम करते हो ना, इसीलिए तो वो रूल बनाया। क्यों, एक एक रूल मालूम है सेक्शन 10 में क्या रूल था, कि अगर आप कंपनी स्कीम में हो तो आप दूसरे में जीएसटी नहीं ले सकते, आपका सब बिजनेस में क्या होना चाहिए, हाँ, नहीं तो पब्लिक क्या करता, हाँ। तो आप कौन हो, कंज्यूमर कंपनी स्कीम, आप कौन हो जी, तो ऐसा करता मैं तो दो दो बिजनेस चालू करता। आज भी सब लोग करते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, बस फर्क इतना है अलग नाम पे करते हैं, अलग नाम पे करते, बस ये हस्बैंड के नाम पर और ये वाइफ के नाम पर, बस और कुछ नहीं। आज भी ये होता है, आप सोचो आप जब मोबाइल खरीदने आते हो तो आप सोचते हो ओनर कौन है, कौन सोचता है, प्रोडक्ट से मतलब है, कंपनी का नाम क्या है, क्या फर्क पड़ता है आपको। तो सेम एग्जांपल, अगर मैं ये दो सिचुएशन में होता, अगर अपर्णा मेरे को बोलती कि समझो आप जा गए, आपने बोला 17920 ना, आपने बोला नहीं नहीं मैं बाजू में से खरीदूंगी झील से, फिर अपन आपको समझाएगी वो तो झील है उसको तो टैक्स नहीं भरना है, मेरे को तो टैक्स भरना पड़ता है, राइट? तो आप क्या बोलोगे, मेरे को क्या है, अरे मेरा तो 320 रुपये बच रहा है तो मैं तो उधर ही जाऊंगा ना, कॉमन सेंस है। फिर अपन आपको समझाएगी, हाँ मेरे पास और एक बिजनेस है, मेरे सेम चीज चाहिए, कितने में, 1700 में चाहिए, हाँ ठीक है, वो कोई दूसरा बिल बुक निकालेगी अपने किसी और के नाम पर होगा, उससे बिल बना के 1700 का बिल बना के देगी या 1750 का बिल बना के देगी। समझ में आया, वह झील कितने बेची, 1700, मैं 1750 में दे रही हूं, अलग बिल बना के दे देगी, उसको क्या फर्क पड़ता, हाँ? गॉट इट? तो ये लॉजिक प्रैक्टिकल चलता, इससे इजी नहीं है डिसाइड करना, एज ए कंसल्टेंट डिफिकल्ट है। क्या हुआ, समझा यहां तक, कॉपी करना है कुछ, एंट्रीज एंट्रीज कॉपी करना है तो याद रखना कैसे एंट्रीज प्रैक्टिकली पास होती है, बराबर है? चलो डेफिनेशंस, सेक्शन 259, व्हाट डज द वर्ड इनपुट मींस, एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, ठीक है। व्हाट इज 252, गुड मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। ये बकवास चीज था कि एक्शनेबल क्लेम्स को इंक्लूड किया, मैंने बोला था याद है कौन से रीजन से किया था, एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स में इंक्लूड किया, वरना इंक्लूड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इंक्लूड किया, फिर शेड्यूल 3 में निकाल दिया, फिर एक एक्सेप्शन डाल के, वो एक ही रीजन था लॉटरी, बस एक लॉटरी के चक्कर में उन लोग ने लिया, वरना इधर से ही निकाल देना चाहिए था, मतलब लॉटरी के चक्कर में पहले उन लोग ने लिया, मतलब गुड्स में लिया, फिर शेड्यूल 3 में निकाल दिया, और फिर उसके एक्सेप्शन में लॉटरी डाल दिया। फिर ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास थिंग्स ये भी अभी इंक्लूड किया, क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं इंक्लूड किया होता तो बहुत सारी चीज फंस जाते, जैसे हम लोग ने एग्रीकल्चर में बहुत बार देखा था, टेंडुलीज क्रॉप्स ही हुआ, जमीन से आने वाली चीज हुई, अगर मैं ये नहीं गिनता गुड्स में तो उधर भी बच जाता। समझ में आ, आज उन्होंने किसको एलिमिनेट किया, एग्रीकल्चरिस्ट को, लेकिन वापस रिवर्स चार्ज में किसको खींचा, कैश यूनिट्स कॉटन क्रॉप्स ही तो था,
हाँ, पहले पूरा कैटेगरी हटा दिया, फिर उसमें से उसको लिया। अगर गुड्स के डेफिनेशन में इसको निकाल दिया होता तो कि हाँ क्रॉप्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो रिवर्स चार्ज में भी नहीं आता ऊपर से, ये तो टेन टू लिस्ट हो सकता है, क्लियर कट बच जाता, क्लियर कट निकल जाता। ठीक है, वो सब क्रॉप्स ही है, इनडायरेक्टली क्रॉप्स है, और उसमें लिखा है, देखो खाली क्रॉप्स नहीं लिखा है, थिंग्स अटैच टू राइट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, थिंग अटैच टू लैंड तो हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन लोग को सब कुछ चाहिए था, दे वॉन्ट एवरीथिंग। बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल जो वर्ड थे ना, जैसे खास करके वर्ड था, जैसे पुष्पा देखा उसके बाद पता चलेगा, जो चंदन का लकड़ी है ना वो सबका बहुत भारी था। अमले को लगा ये भी तो फार्मिंग हुआ ना, लकड़ा बेचना, पेड़ मैं समझो कोई वही बिजनेस कर रहा है, तो चंदन के पेड़ हुआ ना, करोड़पति बन जाएगा ना राइट। तो ऐसे सब लॉजिक को मैं कैसे कंसीडर करूं। अभी मैं गया इसलिए मेरे को पता था, टी गार्डन मैं उधर गया, अभी जो है ना केरला, कितने एकड़ का होगा खाली टाटा का, कितना एकड़, मतलब एकड़ ही एकड़ ऐसा, जो इन्फिनेटिव। मैंने तो हाँ जो था ना जो प्लग करते ना उनको पूछा भी, क्योंकि पता चला उन लोग का कॉस्टिंग क्या है, चाय बनता कितने में, कितना होगा उन लोग का पर डे पेमेंट जो तोड़ते हैं ना। उन लोग को मिनिमम दिन का समझो 1,000 रुपया दिया ना, सब्जेक्ट टू आपका प्लकिंग टोटल शुड बी 30 किलोस पर डे, 2,000 रुपया मतलब एवरेज 30 रुपया आसपास पर किलो। मतलब अगर समझो आपने प्लक टोटल आपने 10 किलो किया तो प्रपोर्शन उतना ही मिलेगा, 30 रुपया किलो के हिसाब से, जितना आपने प्लक किया ना डेट इज टू बी काउंटेड पर डे, नहीं आप समझ सकते हो मतलब कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, है ना। वो तो था ना अपना 60-40 रेशियो, चाय में नहीं था 60-40 वाला, वो लॉजिक, कि वहां सब बिजनेस जाते हैं, हम लोग पता चलता है कि सब में मार्जिन क्या है। मैं तो सारे कम से कम 10 बिजनेस का पूछा, हाँ मैंने वो भी पूछा, वो इलायची होता ना क्या वैल्यूएशन होगा, 1400 रुपया 1500 रुपया किलो। लेकिन मैंने वहां पूछा ये इलायची कच्चा इलायची होता ना पेड़ पर ही तैसे तोड़ के खाया भी वो था ना, बोला 5 किलो इसको तोड़ते, 5 किलो उसका कन्वर्ट होकर 1 किलो ओरिजिनल बनता, सीधा 1/5 हो जाता है रेशियो, इसलिए महंगा होता है। मतलब सबका बिजनेस का लॉजिक सोचोगे तो अलग अलग रेशियो से समझा, मतलब अपने को लग रहा है ये प्राइस क्या है और लेवल कैलकुलेशन का कैसा है, कि क्यों ऐसा वैल्यूएशन हो जाता है, क्योंकि उसका 5 किलो में से वापस स्ट्रेट 1 किलो पर आता। ब्लैक पेपर हम लोग था वो भी था, वो 2 किलो तोड़ते तो 1 किलो बन जाता है, मतलब सबका रेशियो चेंज होता था इसलिए उसका वैल्यू ज्यादा हो जाता, वो तो बहुत कॉस्टली होता है, वो चंदन की लकड़ी जैसा भी कॉस्टली होगा वो सब। मैंने बोला चंदन की लकड़ी का वैल्यूएशन है वैसा होता है। जो नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स मीन्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स। कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स का मतलब होता है हम लोग की भाषा में, अकाउंट्स की भाषा में असेट ट्रीट करते हैं, जिसको आप कैपिटलाइज्ड, वो याद होगा किसी को, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनपुट सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज का मतलब है अज्यूम करो कि अगर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, सॉरी जॉब नहीं कर रहे हो, सॉरी आप कोई कंपनी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हो, तो कंपनी आप जो सर्विस दे रहे हो कंपनी को इट विल बी कंसिडर्ड एज इनपुट सर्विस। देखो मैक्सिमम बिजनेस में कहीं ना कहीं किसी का सर्विस रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि सीए सीएस लॉयर आर्किटेक्ट इंजीनियर्स, जो भी सर्विस मिल रही है दैट इज कंसिडर्ड एज इनपुट सर्विस, जिसके लिए कंपनी पेमेंट करती है। इनपुट टैक्स इज द अमाउंट विच इज पेड एज टैक्स, इट कैन बी एनी ऑफ द जीएसटी, इट कैन बी सीजीएसटी एसजीएसटी एनीथिंग। उसके बाद सबके नाम लिखा हो, ए बी सी डी ई सब है ना, वो अलग अलग टैक्स ही है और कुछ नहीं है। जैसे कि ए में लिखा है जीएसटी ऑन इम्पोर्ट्स, बी में लिखा है 9394 मतलब रिवर्स चार्ज, सी में लिखा है 5354 मतलब आईजीएसटी का, डी सॉरी बी वाला है ना वो सीजीएसटी लिखो, बी के बाजू में लिखे रखो सीजीएसटी, सी के बाजू में आईजीएसटी, डी के बाजू में एसजीएसटी और ई के बाजू में यूटीजीएसटी। देखो बी के बाजू में सीजीएसटी,
सी के बाजू में आईजीएसटी, डी के बाजू में एसजीएसटी, ई के बाजू में यूटीजीएसटी। चलो व्हाट आर दी एलिजिबिलिटीज। देखो एलिजिबिलिटी के लिए या तो आप पेज नंबर 151, 152 पढ़ो, या तो बाद में उसको शॉर्ट में पढ़ना है ना तो पेज 157, 158 भी पढ़ सकते हो, सेम ही है, दिख रहा है 16-1, 16-2, 16-3, दिख रहा है। अगर आपको वो इजी लगा तो वो पढ़ना, वो पढ़ते चलो। अगर ऐसे 16-1, 16-2 वाइज देखते हैं तो पेज 157 फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है। सेक्शन 61 डिफाइंस द बेसिस क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग आईटीसी। द अंडरलाइनिंग गुड्स एंड सर्विस और बोथ आर यूज्ड फॉर इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस होना जरूरी है। दस बिजनेस टेस्ट इज असेंशियल इफ द गुड्स और सर्विस आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। ये हम लोग को सबको पता है, मतलब पर्सनल यूज नॉट अवेलेबल, बिजनेस यूज अवेलेबल। ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन विल बी अलाउड टू टेक आईटीसी। इफ अ पर्सन इज लायबल टू रजिस्टर बट डिड नॉट रजिस्टर हिमसेल्फ, आईटीसी इज नॉट अलाउड। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो ही आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन में हो लेकिन नहीं करवाया है तो क्लेम नहीं करवा सकते हैं। और उल्टा आप रजिस्ट्रेशन में नहीं हो फिर भी नंबर लिया है, जैसे था ना एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, तो भी आप क्लेम कर सकते हो क्योंकि आपने नंबर लिया है। कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। The person should be in possession of tax invoice or debit note or such other tax paying documents as may be prescribed under 16-2. बरोबर है? आपके पास क्या होना चाहिए? Invoice. ये point आ गया, invoice. फिर कौन से type of invoice है एक बार पढ़ सकते हो, debit note है या bill of entry है या supplementary invoice है, right? Second, invoice or debit note should have been reported by the supplier in the outward return. मतलब क्या? ये अपर्णा ने अपने return में बताया। आउटवर्ड रिटर्न का मतलब किसके लिए हुआ? अपर्णा, राइट? अजय के लिए तो वो इनवर्ड हो जाएगा, अपर्णा के लिए आउटवर्ड। मतलब अपर्णा ने वो बिल नंबर, वो अमाउंट अपने रिटर्न के अंदर सेक्शन 39 के जो रिटर्न फाइल है उसमें आपको डिस्क्लोज करना होगा। फर्दर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 द लजिस्ट्रेशन हैज प्रोवाइडेड दैट द रिपोर्टिंग ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस बाय द सप्लायर इन इट्स आउटवर्ड रिटर्न और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी and visibility of such details are to be received to the recipient through common portal is mandatory. The recipient gets to know the reporting status of underlying invoice or debit note through GSTR 2A made available there too on the common portal. किसी को याद है क्या है? मैं ज़्यादा समझाऊँगा under return filing, लेकिन बता देता हूँ क्या rule होता है। अपर्णा वो भरती है GSTR 1। क्या भरेगी उसमें? वो डिटेल्स ऑफ आउटपुट, उसमें अंदाज आप इस सब से क्या क्या लिखेगी, ये ट्रांजैक्शन के लिए क्या क्या लिखेगी? अजय का नाम, अजय सी जीएसटीआर नंबर, जो बिल है वो बिल नंबर, वो सब लिखेगी। जो उसने लिखा वो अजय को दिखेगा GSTR 2A में। हाँ, वो कॉमन पोर्टल में दिखेगा, मतलब जो GSTR 1 आप भरोगे वो उसे दिखेगा, होता ना ऑटो पॉपुलेटेड, मतलब वो दिखेगा ताकि अजय को पता चलेगा कि हाँ मेरा पैसा अपना ने भरा। क्योंकि रूल के हिसाब से अगर वो नहीं भरा होगा तो उसे कॉल कर सकता कि मैंने तो दे दिया था, राइट? ये कौन करते मन में? मैंने हम लोग ने अभी बीच में मोबाइल फोन लिया था ना, अभी ऐसे ही हुआ था, मैंने उसको नंबर दे दिया और उसने भरा ही नहीं। मैंने फोन करके बोला आपको मैंने दिया, भरो तो सही। वो लोग के पास वो लोग ध्यान नहीं होता, नहीं भरता। फिर कोई बोलेगा आप भरो तो सही, मैंने मेरे को क्लेम करना है, समझा? बहुत जन होता है इग्नोर करता है, जहां छोड़ना कौन क्लेम करता है, लेकिन किसी को है समझो छोटी मोटी चीज का भी मेरे को क्लेम करना है। अब नहीं नहीं हम लोग की हैबिट, अभी जो GSTR रजिस्टर थे ना तो हैबिट था, झूठ नहीं बोला। मतलब मैंने कीबोर्ड और माउस भी लिया था ना 700 रुपए का, तो भी मैंने बोला था बिल दे, भले 50 रुपया 60 रुपया जो भी हो दे, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, ले मेरा नंबर लिख, मैं क्यों छोड़ू? मैं तो तू पैसा तो लेने वाला ही है ना, आप दो या नहीं दो वो सामने वाला आपसे पैसा लेने वाला है, तो मेरा नंबर तो लिख, भले 100 रुपया आपने कहा ज्यादा
क्योंकि अलाउड है, कीबोर्ड लिया, माउस लिया, अलाउड है। समझा? लाइब्रेरी कुछ नहीं आएगा, उसको बोलते रहना पड़ेगा, नहीं भरेगा तो देखो फिर कुछ अब बोलना होता है जीएसटी ऑफिसर्स में ऐसा कुछ, ये तो मच मच होता नहीं है। प्रैक्टिकली तो ऐसा ही था, जानते नहीं मतलब क्या, तो खाली फोन पर बोल सकता है 2-3 बार और कुछ नहीं, वो नहीं भरेगा तो नहीं भरेगा। हाँ, अपने को भरना है किधर है, क्लेम करना नहीं मिलेगा। हाँ, द पर्सन शुड हैव रिसीव द गुड्स और सर्विस और बोथ, ये भी हुआ, ये अजय को गुड्स मिल चुका होना चाहिए। द पर्सन टेकिंग आईटीसी मस्ट हैव रिसीव द गुड्स और सर्विस वेदर द गुड्स आर सप्लाइड अंडर बिल टू शिप टू मॉडल द रजिस्टर्ड पर्सन on whose direction the goods are concerned directly by the supplier to the third party shall be deemed to have been received the goods for the purpose of availing ITC. अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट आया, प्लेस ऑफ सप्लाई का, मतलब एग्जांपल में सेम लॉजिक अगर ऐसा होता कि हाँ कि समझो अजय ने बोला अपना को गुड्स दे राइट, लेकिन लास्ट में अजय ने क्या बोला, एक काम करो गुड्स है ना नरेश को भेज दो राइट, और अपना ने किसको भेजा, तो क्या अजय आईटीसी ले सकता है, तो भी यस, इवन दो अजय को गुड्स नहीं मिला। हाँ नहीं, अपना लॉजिक क्या है कि गुड्स शुड बी रिसीव्ड, जरूरी है कि बाय अजय, लॉजिक ये है, लॉजिक क्या है, मैंने क्या लिखा है, गुड्स शुड बी रिसीव्ड बाय अजय, लेकिन अगर समझो अजय को नहीं मिला लेकिन अजय के कहने पर किसी और को भी मिल गया तो भी वो ऐसा माना जाएगा कि अजय को मिल चुका। Similar is the position where the service are provided by the supplier to any person under direction and on account of the registered person, the registered one shall be deemed to have received the services. Next, the supplier should have actually paid the tax charge in respect of the supply to the government. मतलब क्या? अपन आने government को tax भर दिया होना चाहिए. Even भले believe करो, even though ये रूल पता? या नहीं पता? कि अजय ने एक भी रुपया दिया ना हो, आपको एक भी रुपया नहीं दिया फिर भी आपको भर देना होगा। समझो अजय ने गुड्स लिया, सेम इतने का गुड्स दिया, लेकिन अजय ने क्या बोला, मैं 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, फिर भी अपना को तो पे कर देना होगा। तो मान लो एक क्लॉज है बाद में 180 डेज का, 180 डेज तक अगर अजय ने पेमेंट नहीं किया ना, नहीं वो नहीं, अपना को पूरा मतलब जीएसटी का 10,000 वापस मिल जाएगा। अगर 180 डेज तक अजय ने अपना को एक भी रुपया नहीं दिया, 1,10,000 नहीं दिया, तो अपना जो 10,000 उसने पे किया था ना जीएसटी, उतना उसे रिवर्स मिल जाएगा, तो उतना लायबिलिटी उस पर आ जाएगा। ठीक है, उसने सामने क्या कर दिया होगा, अजय ने आईटीसी क्लेम कर लिया होगा, मतलब इसने तो कैसे किया होगा, मालूम है, इसको भी 1,000 नहीं दिया और आईटीसी भी ले लिया, तो डबल बेनिफिट लेकर गया ना, मतलब बिना पेमेंट उसने क्या कर लिया, आईटीसी क्लेम कर लिया, तो उसको 10,000 का रिवर्सल आएगा। तो बाद में आएगा कोई क्लॉज, 180 डेज का क्लॉज है।